उत्तर प्रदेश के मेरठ थाना मुंडाली क्षेत्र के गांव मऊ खास में चौकी से कुछ दूरी पर स्थित कौशिक मिष्ठान भंडार व कन्फेंसरी की दुकान में कुंबल कर चोरों ने लाखों का माल पार कर लिया है। चोरों ने इस घटना को बीती रात्रि को अंजाम दिया। वहीं मोहित शर्मा दुकान स्वामी ने थाना पुलिस को तहरीर सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। मऊ खास चौकी प्रभारी सुभाष चंद्र ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामले का जल्द खुलासा करने को कहा है। दुकान स्वामी मोहित शर्मा ने बताया कि उनकी दुकान में पहले भी एक बार चोरी हो चुकी है। मोहित शर्मा है जी नाम मेरा। क्या क्या मामला, कैसे चोरी हुई यार? रात जी 9 बजे दुकान बंद करके गए थे, ठीक ठाक सही उस सही पोजीशन में बिल्कुल। सुबह आके देखा तो पीछे भी कुंबल, दोनों तीनों कमरों में कुंबल, बहुत सामान चुरा के ले गए हैं। चीनी के कट्टे हैं, रिफाइंड तेल के टीन हैं, सिगरेटों के डंडे हैं बड़े बड़े, और हल्दीराम की नमकीन है। मतलब बहुत सारे आइटम ऐसे हैं, हमारे मोबाइल का सामान है बहुत सारा, चार्जर वार्जर्स वगैरह, लीड वीड वगैरह, ये हैं सब। कोल्ड अनुमानित थी 3 से 4 लाख रुपए का सामान है टोटल। पहले भी चोरी हुई थी क्या? हाँ जी, 1 महीने पहले भी यहाँ चोरी हुई थी, सामने दुकान थी। जब अब ये टूट गई है, पुलिस चौकी हमारे सामने ही है ये, जस्ट कौशिक मिष्ठान भंडार जी सर। नुकसान ना हुआ? नुकसान नहीं हुआ था, जब कुंबल ही हो गया था, बस एक डंडा गया, बस 5-4 हज़ार रुपये का एक डंडा गया था सिगरेट का जब। अच्छा जी, अब दोबारा जी, अब 1 महीने बाद दोबारा फिर हो गई है इसमें। पता लगा, खोली जी हमने 5-5:30 बजे दुकान खोली, तो जब सामान फैला मिला अंदर से सब, जब पता लगी हमें 9:15 बजे बंद करी थी दुकान, ठीक ठाक। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।